हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो लेक्चर में हम ग्रेडियंट के आगे का भाग पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं, पिछले चैप्टर में हमने ग्रेडियंट के बारे में पढ़ा था, ग्रेडियंट क्या होता है, ठीक है, ग्रेडियंट के बारे में सारी डिटेल थी। अब हम इस चैप्टर में ग्रेडियंट के आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ग्रेडियंट के आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि ग्रेडियंट ऑफ कर्व, जो कर्व होते हैं, क्या कर्व पे हम ग्रेडियंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है ग्रेडियंट ऑफ कर्व। क्या कर्व्स पे ग्रेडियंट देना चाहिए, ठीक है, क्या कर्व्स पे ग्रेडियंट देना चाहिए, इस चीज की बात करेंगे। कर्व का सेंस क्या है, जैसे कि कहीं पे कर्व प्रोवाइड किया गया, ठीक है, कहीं पे ऑलरेडी हम क्या किए, कर्व प्रोवाइड किए, और वहां पे क्या हम ग्रेडियंट दे सकते हैं। जैसे कि ये हमारा क्या है, ये हमारा एक कर्व है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक कर्व हो गया। क्या इस कर्व पे हम ग्रेडियंट प्रोवाइड कर सकते हैं। देखिए, कर्व पे तो हमको ग्रेडियंट प्रोवाइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कर्व है ये ऑलरेडी क्या है, ऑलरेडी लगा हुआ है। इसमें अगर हम ग्रेडियंट प्रोवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें राइज एंड फॉल आ जाएगा। पहला तो राइज एंड फॉल आ जाएगा और दूसरा ये ऑलरेडी कर्व है, कर्व है, ठीक है। कर्व पे हम क्या प्रोवाइड करते हैं, कर्व पे हम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं। तो पहला तो हमने सुपर एलिवेशन ऑलरेडी प्रोवाइड किया है। दूसरी बात आती है ग्रेडियंट की, अगर हम इसमें ग्रेडियंट पॉइंट कर दें तो इन दोनों के कारण क्या होता है, कर्व प्लस ग्रेडियंट। देखिए, अगर इन दोनों का मिक्सअप हो जाता है, इन दोनों का मिक्सअप होने के कारण क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस जो होता है वो जनरेट होता है, कॉन्ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस, ये प्रैक्टिक रेजिस्टेंस है। तो ये प्रैक्टिक रेजिस्टेंस क्या होता है, इसको बोलते हैं कर्षण, इसको बोलते हैं कर्षण। प्रैक्टिक हमारा क्या होता है, कर्षण होता है, और रेजिस्टेंस हमारा क्या है, रेजिस्टेंस हमारा प्रतिरोध होता है, ठीक है। जो भी गाड़ियां होती हैं उन गाड़ियों को क्या करना पड़ता है, एक अधिक फोर्स लगाना पड़ता है, एक अधिक पुल लगाना पड़ता है चढ़ने के लिए। अब इसका एग्जाम्पल आप समझिए, एग्जाम्पल मेरे ख्याल में, ये आपका कर्व है, ये आपका कर्व है, आया हम यहाँ पर ब्रिज बन गया, ये आपका कर्व देखिए यहाँ पर ब्रिज बन गया, ये कर्व है, कर्व पे क्या हुआ, ऑलरेडी पॉइंट किया गया है। यहाँ हमने क्या होता है, कितने यहाँ हमने ग्रेडियंट का राइज पॉइंट कर दिया, ग्रेडियंट का राइज पॉइंट कर दिया। तो गाड़ी हमारी भी यहाँ पर मूव रही है, गाड़ी और कार के बीच में ट्रैक्शन खुद बढ़ रहा है, ठीक है, ट्रैक्शन खुद बढ़ रहा है। अब यहाँ पर हमको चढ़ने के लिए मिल जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ पर ट्रैक्शन और जारी हो जाएगा। तो अगर इस तरह के केस आती है, तो ग्रेडियंट पे हमको क्या करना, सॉरी, कर्व पे हमको अगर ग्रेडियंट पॉइंट करना होता है, तो हम क्या करते हैं, 75 by r की कमी कर देते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप नोट कर लीजिए, थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक तो मैंने आपको बता दिया। ठीक, इसको इरेज करते हैं। हम नेक्स्ट बताएंगे कि जो हिल रोड होते हैं, हिल रोड पे हम ग्रेडियंट कितना देते हैं, कितना नहीं देते हैं। ठीक है, ग्रेडियंट एंड हिल ड्रैग, जो हमारी पहाड़ी सड़कें होती है, पहाड़ी सड़कों पे हम ग्रेडियंट अगर देते हैं तो कितना देते हैं, उसकी वैल्यू क्या होती है, ठीक है, उस चीज के बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको पहले क्या करना होगा, इसके लिए आपको एक टेबल ड्रा करना होगा, वो मैं टेबल
अगर आपको ड्रग लगा देता हूँ, ठीक है, सबसे पहले लाइट में आपका आँख सीधी हो जाएगी। दूसरे में आपका एक टाइप ऑफ कोड, टाइप ऑफ कोड कि रोड साफ कैसे कैसे तीसरा यहाँ आता है हमारा क्या होता है नियंत्रण वैल्यू या नॉर्मल वैल्यू। यहाँ पे सब क्या है नॉर्मल वैल्यू, यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू आता है, ठीक है। दूसरे में क्या आता है मैक्सिमम वैल्यू, चार तरीके की चीजें होती है। पहला आपका क्या होता है कुरियो के लिए, पहला आपका क्या है कुरियो के लिए या क्या कर रहा है के लिए, ठीक है, तो मेडिसिनल के लिए। पेडिस्टियल पहला क्या है पैदल चलने वालों के लिए या पेडिस्टियल के लिए। दूसरा आता है हार्स रोड, हार्स रोड मतलब जैसे घोड़े वोड़े जिस रोड पे चलते हैं, जिस रोड पे जानवर चलते हैं उसके लिए हार्स रोड। तीसरा आपका आता है तीसरा आपका आता है रोड सिटी सिटी या कटू रोड बोलते हैं, ठीक है, कटू रोड इसको बोलते हैं, फिर इसके लिए कटू पथ। और चौथा आपका आता है ऊंट पथ, ऊंट पथ, ठीक है, या ऊंट पथ आता है। तो ये चारों के लिए अलग अलग वैल्यू, चारों के वैल्यू नोट कर लीजिए। पहला क्या होता है बोलिए दूसरी वैल्यू आपकी आती है अपनी वैल्यू, टू रूट के लिए कोई वैल्यू नहीं होता है, लास्ट होता है वन इन ट्वेंटी, ठीक। इसके लिए आपका आता है वन इन फाइव, ये सेवन से फाइव होगा और एट इन फ्यूचर से क्या हो जाएगा वन इन, ये हो जाएगा सेवन वन बाई टू। इसके लिए क्या होता है इसके लिए वन इन टेन होता है, ठीक। लास्ट वाला आता है वन इन फिफ्टी होता है इसका आधार, ठीक है, ये आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए इस वैल्यू को, फिर हम आपको अब इसके बाद जो काफी सारे बात है, काफी क्या है, काफी ज्यादा मेन टॉपिक है, काफी पार्टी है आपको के लिए। नेक्स्ट आपका आता है वाइडनिंग ऑफ रोड, ठीक है, रोड वाइडनिंग ऑफ रोड ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व। अक्सर आप देखते हैं जो कर्व होते हैं या फिर जो टर्न आउट होते हैं उसमें हम क्या करते हैं रोड को थोड़ा सा चौड़ा कर देते हैं, ठीक है ना। तो उस चीज के बारे में पढ़ते हैं कि रोड को चौड़ा क्यों करते हैं। जो हॉरिजॉन्टल कर्व होता है या फिर हॉरिजॉन्टल जो रोड्स होते हैं उनमें हम क्या करते हैं उनमें वाइडनिंग ऐसा क्यों प्रोवाइड करते हैं इस चीज के बारे में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, वाइडनिंग ऑफ रोड और हॉरिजॉन्टल कर्व।
इस चीज के बारे में स्टडी करना है, ठीक है ना। तो अभी देखते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं वाइडनिंग ऑफ जो रोड होता है वो हॉरिजॉन्टल कर्व की क्यों बढ़ाया जाता है। हॉरिजॉन्टल कर्व पे हम रोड की वाइडनिंग को क्यों बढ़ा देते हैं, इसके लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे, एक फिगर को ड्रा करेंगे, ठीक है। एक फिगर को ड्रा करेंगे, ये हमारी रोड है। अब क्या है, अगर कोई फोर व्हीलर आता है, तो फोर व्हीलर को हम बनाने की कोशिश करते हैं। अब आप एक चीज गाड़ियों में देखेंगे, इन फोर व्हीलर्स में क्या देखेंगे, फोर व्हीलर्स में अगर ये आगे का स्टीयरिंग है, हम इसको मान लेते हैं क्या है, फ्रंट, और ये क्या है, ये रियर, मतलब क्या होता है, ये आपका फ्रंट व्हील है, ये आपका रियर व्हील है। आप एक चीज देखेंगे, जो फ्रंट वाला व्हील होता है, ये जो फ्रंट एक्सल होता है, ये फ्रंट एक्सल होता है, फ्रंट एक्सल क्या करता है, स्टीयरिंग इसी में रहता है, ये क्या है, फ्रंट एक्सल आपका क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, और रियर क्या होता है, रियर आपका फिक्स होता है, रियर क्या करता है, फ्रंट व्हील को फॉलो करता है, नाम मतलब है फॉलो फ्रंट व्हील, फॉलो फ्रंट, ये क्या करता है, फ्रंट वाले को फॉलो करता है, फ्रंट वाले के स्ट्रेट चलता है, ये क्या होता है, ये फिक्स होता है और स्ट्रेट होता है, ये क्या होता है, ये फिक्स होता है, और ये कैसे चलता है, स्ट्रेट होता है, बिल्कुल स्ट्रेट होता है। तो ऐसा क्या होगा, ये जो सड़क मुड़ी हुई है, अब इस पे कोई गाड़ी आ रही है, पोजीशन कहा, पोजीशन ये था, दूसरा पोजीशन ये, अब गाड़ी आ रही है, देखिए ये आपका पहला ब्लॉक हो गया, ठीक है, पहला ब्लॉक पहिया क्या है, यहाँ मिल गया है, तो गाड़ी कुछ इस तरह जाएगी, लेकिन जो दूसरा वाला पहिया है, चूंकि ये मूव नहीं करता, पहला वाला पहिया मूव करता है, इस वजह से दूसरा वाला पहिया क्या होगा, बिल्कुल सीधा जाएगा, दूसरा वाला पहिया क्या करेगा, बिल्कुल सीधा जाने की कोशिश करेगा, तो यहाँ आप देख रहे हैं, जब पिछला वाला पहिया वो आगे वाले पहिये को फॉलो नहीं कर रहा है, पिछला वाला पहिया क्या करता है, आगे वाले को फॉलो नहीं करता है, तो इस वजह से क्या होता है, इस वजह से इसका एक प्रोसेस होता है, इस वजह से इस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, या फिर इस चीज को हम क्या करते हैं, इसको बोलते हैं ऑफ ट्रेडिंग, ऑफ ट्रेडिंग, इसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑफ ट्रेडिंग, या फिर जो ये हमारा तरीका है, इसको हम ऑफ ट्रेकिंग बोलते हैं। ऑफ ट्रेकिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखेंगे आगे वाला तो पहिया क्या करता है, आगे वाला पहिया पाथ को फॉलो करता है,
पिछला वाला पाथ को फॉलो करता है लेकिन पिछला पहिया पाथ को फॉलो नहीं करता है। पिछला वाला पहिया क्या है? पाथ को फॉलो नहीं करता है। ये क्या है? डजंट फॉलो पाथ, डज नॉट फॉलो पाथ। पिछला वाला पहिया क्या है? फॉलो नहीं करता, पाथ को फॉलो नहीं करता है, पाथ से ये बाहर हट जाता है, पाथ से बाहर हट जाता है। और ट्रैकिंग में मतलब क्या है? ट्रैक करना। ये क्या होता है? ये बाहर हट जाता है पहला वाला। ये क्या करता है? ये बाहर हट जाता है, ठीक है, इस वाले हिस्से से बाहर हट जाता है। इस वजह से इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑफ ट्रैकिंग करते हैं, ठीक है। तो इस वाले केस में हमको क्या करना पड़ता है? जो अंदर की तरफ जो वायर पर वो दिए, इसको क्या करना पड़ता है? इसको हल्का सा और बढ़ा देना पड़ता है। जैसे अगर हम यहाँ देना चाहेंगे तो यहाँ हम क्या करेंगे? हल्का सा इसको और इस तरह बढ़ा देंगे, ठीक है। हल्का सा यहाँ क्या करेंगे? हल्का सा और बढ़ा देंगे। हल्का सा क्या करेंगे? इतना एरिया हम ऑफ वाइट कर देंगे, इतना एरिया जितना मैं इसमें आपको लाइनिंग लाइनिंग दिखा रहा हूँ उतना क्या करेंगे? इतना और वाइट कर देंगे, ठीक है, इतना और वाइट कर देंगे। तो ये आपका क्या चाह रहा है? ये आपको वाइडनिंग और ब्लू चाह रहा है, ये आपका वाइडनिंग और ब्लू। ये प्रोसेस आपका क्या कहलाता है? वाइडनिंग और ब्लू। हम अभी एक फिगर और बता के समझा देंगे, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। एक फिगर के माध्यम से अभी हम आपको और बता देते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है? ये आपका समझ लीजिए कोई कर्व, ठीक है। और जो दूसरी शर्त है, ये इसकी जो दूसरा लेयर है वो इस तरह का है, ये आपका दूसरा लेयर है। ये आपने क्या है? ये आपका रोड है। अब क्या है? यहाँ पे कर्व है, ये हिस्सा क्या है? कर्व वाला है। अगर कोई गाड़ी यहाँ से जा रही है, कोई गाड़ी सीधी यहाँ से जा रही है, ये कोई गाड़ी जा रही है, तो गाड़ी का पहला वाला जो पार्ट, पहला वाला पहिया वो इसको फॉलो कर रहा है, लेकिन दूसरा पहिया क्या है? दूसरा पहिया सीधा जाएगा। तो इस वजह से मोड़ों पर क्या होता है? जगह कम हो जाता है। तो इसीलिए आप देखते हैं कि बस के ड्राइवर या गाड़ी के ड्राइवर या हैवी जो गाड़ियाँ होती हैं
उनके लिए इनको क्या करना पड़ता है, पहले से ही पहिए को आगे वाले पहिए को क्या करना पड़ता है, बिल्कुल कोने से काटना पड़ता है। सर कोड़ना आगे वाले पहिए को यहीं से स्टार्ट करते हैं कट करना कि जो ये बड़ा हिस्सा है कि ऐसा ना हो कि पिछला पहिया बाहर आ जाए। इस वजह से क्या करते हैं कि यहाँ पे वाइडनिंग हुआ, चक्का
जो डिस्टेंस होता है इसको क्या करते हैं, ये हमारा क्या कहलाता है, एल कहलाता है, फील बेस कहलाता है, ठीक है। तो इस फार्मूले से हम विड्थ को फाइंड कर सकते हैं कि रोड का विड्थ कितना होगा, ठीक है ना। विड्थ अतिरिक्त कितना ज्यादा एक्स्ट्रा वाइड एरिया हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना, इसको हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, आप यहां पर ऐसे लीजिए डब्ल्यू ई को लीजिए, एक्स्ट्रा वाइड एरिया डब्ल्यू ई, एक्स्ट्रा वाइड एरिया, एक्स्ट्रा वाइड एरिया यहां से पता कर लेते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लीजिए तो फिर हम आगे बताते हैं इसके लिए। ठीक है, नोट कर ले लूंगी आप, आगे आते हैं। अब आपको एक टेबल, उस टेबल में आपको ये कंफर्म होगा कि किस चीज के लिए कितनी वैल्यू है, ठीक है। वाइडनिंग जो होती है उसके लिए वैल्यू क्या क्या होती है, ठीक है। उस वैल्यू को आपको नोट करना है कि कितने कितने हम वैल्यूज देते हैं, उस वैल्यू को हम नोट करवा लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है सिंगल लाइन और डबल लाइन, सारा हमारा आता है सिंगल लाइन और दूसरा वाला आता है डबल लाइन। यहाँ पर क्या है, सिंगल लाइन और यहाँ पर डबल लाइन, ठीक। अब ये आपका ऊपर क्या दिया, रेडियस आपका, रेडियस आपका, अगर रेडियस आपका की वैल्यू इतनी इतनी रहेगी तो इतना वैल्यू होगा, ये आपका पहला दिया है 20 मीटर, पहला 20 मीटर ऐसा का है, कितनी वैल्यू, दूसरा दिया 21 से 40 मीटर, 21 मीटर टू 40 मीटर, तीसरा दिया है 41 टू 60 मीटर, 41 टू 60 मीटर, 61 टू 100 मीटर, 61 मीटर। नेक्स्ट हमारा आता है 101 मीटर टू 101 मीटर टू 300, ये आपका क्या है, आपका रेडियस आपका, ये आपका रेडियस आपका, ठीक है। पहला आपका आ जाता है 0.9, दूसरा 1.5, जो सारे मीटर पे हैं, तीसरा आपका था 0.60, 1.20, 0.90, 0.60,
लोगों के लिए नहीं होती है। तो इस वैल्यू को आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए जल्दी से। नोट कर लीजिए तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।